यूएस चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने की वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में सोमवार को बड़ी गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस गिरावट से दुनिया के 500 अमीरों की कुल नेटवर्थ 117 अरब डॉलर 8.19 लाख करोड़ रुपए घट गई। मुकेश अंबानी को 2.4 अरब डॉलर 16,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने सबसे ज्यादा 24,010 करोड़ रुपए बनवाए, फिर भी वे 110 अरब डॉलर 7.70 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे बड़े अमीर बने हुए हैं। दुनिया के टॉप 5 अमीर नाम कंपनी देश नेटवर्थ रुपए नेटवर्थ डॉलर। जेफ बेजोस अमेजन यूएस 7.70 लाख करोड़ 110 अरब। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट यूएस 7.28 लाख करोड़ 104 अरब। बर्नार्ड अर्नॉल्ट LVMH फ्रांस 6.62 लाख करोड़ 94.6 अरब। वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे यूएस 5.48 लाख करोड़ 78.3 अरब। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक यूएस 4.98 लाख करोड़ 71.1 अरब। बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी 18वें नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में शामिल 21 अरबपतियों के शेयरों की वैल्यू में सोमवार को 1 अरब डॉलर से 3.4 अरब डॉलर तक की गिरावट आई। बिलियनियर इंडेक्स हर रोज अमेरिकी शेयर बाजार बंद होने के बाद दुनिया के 500 अरबपतियों की नेटवर्थ अपडेट करता है। इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 18वें नंबर पर हैं। उनकी मौजूदा नेटवर्थ 44.8 अरब डॉलर 3.14 लाख करोड़ रुपए है। वे एशिया के सबसे बड़े अमीर हैं। अमेरिका चीन का विवाद जल्द सुलझने के आसार नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि 300 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर 1 सितंबर से 10% शुल्क लगाएंगे। सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका असर हुआ। अमेरिका चीन के बीच पिछले साल मार्च से ट्रेड वॉर चल रहा है। हालांकि विवाद निपटाने के लिए वार्ता भी जारी है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि चीन तेजी नहीं दिखा रहा। ऐसे में जल्द कोई डील होने की उम्मीद काफी कम है।